हेलो, वेलकम बैक टू योर सेंट सना। हमें जाना तो बेल्टवेयर लेक था, लेकिन रास्ते में चर्च आ गया तो हमने चर्च में भी दर्शन कर लिए। और सर, बेल्टवेयर लेक में आपका स्वागत है। ये जगह एक्चुअली बेल्वेडियर पैलेस है, ना कि लेक। लेक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लेक है, और ये प्रिंस यूजीन ऑफ सेवोय ने बनवाया था अपने समर सीजन के लिए। मतलब वो विंटर में अपने मेन पैलेस में रहता था, जो ऑस्ट्रिया में ही है, एक दूसरे पार्ट में, बट वो समर्स के लिए उन्होंने बनवाया था। बट जब तक ये बना था, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, और फिर जनरेशन टू जनरेशन ये दूर उधर जाता रहा, और किसी ने ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया था। और फिर इसको एक फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे एज अ रेस्क्यू टाइप के लिए, लोगों के लिए यूज़ किया गया था। और इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, अपर एंड लोअर बेल्वेडियर पैलेस। और इसमें यूजुअली 1400 के अराउंड जो है इसकी पर बंदा टिकट लगती है। मेरा म्यूजियम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने टिकट नहीं ली है। और ये प्रॉपर चारों तरफ से सराउंडेड है ग्रीनरी से, वाटर से। पहले मुझे नहीं पता था, मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ। मैं बैक साइड पहले चली गई हूँ, इसका फ्रंट साइड दूसरे साइड से है। यहाँ फूलों से होते हुए लेक की तरफ। हाँ, हवा का अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज हवा है, बट इतनी ज़्यादा धूप तेज है ना कि पता नहीं लग रहा है कि हवा बहुत तेज है। दिस क्रोज, ये क्रो बहुत बड़ा सा है। इस आगे एक्चुअली मैं जा नहीं सकती हूँ, बहुत बड़ा सा है ये। और लेक के से बैठे आपको कैसे पता चला होगा कितना बड़ा है ये? अच्छा, अब मैं आप आ रहा है शूट करवाने के लिए, इसको भी शूट का शौक है। देखो देखो देखो, अच्छा। अरे यार, बैठ जा यार, बैठ नहीं रहा। सो हम लोगों ने ना अभी बेल्टवेयर लेक को विजिट कर लिया, और ये बहुत प्यारी लेक है। मेरे पीछे से देख सकते हो आप कितनी बढ़िया लेक है, और हम इसके आगे बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा उठा रहे हैं। बहुत मस्त लेक है। अब एक्चुअली में सीन ये है कि बज रहा है सिर्फ एक, और हमारी जो बस है वो है 4:45। तो 4:45 बस है, और अभी भी बहुत टाइम है। वैसे हम जाने को वेना सिटी सेंटर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो वेना हम आएंगे तो हमारा स्टे वहीं पर है, तो हम उसकी बजाय अभी देखते हैं यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, फिर आई थिंक खाएंगे पियेंगे और फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी तक हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कोई यूज़ नहीं किया है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ चलता जा रहा है। एक चर्च हो रही है और ये लेक हो गई है। मतलब हमने आज के दिन का जो आधा दिन था उसको के ना बिता करके हमने इसका भी पूरा फ़ायदा उठाया। सो अब मैं आपको मिलती हूँ बस में ही, क्योंकि अगर बीच में कहीं गई तो वो दिखाऊंगी, अदरवाइज बस में। ठीक है सर, नाइस, डन, ओके। बस बालों में तेल नहीं लगा, तो बाल बड़े रुक से रुक के, बल्कि सही लग रहे हो आप, बढ़िया लग रहे हो, रोजमर्रा के हिसाब से बहुत सही लग रहे हो आप। ठीक है, लेकिन ब्यूटी बहुत मस्त ब्यूटी है ये, बंद करके थोड़ी देर शांति भी ले ले। बैक साइड में, और ये इतनी ब्यूटीफुल है ना, इतनी ब्यूटीफुल है ये।
अच्छा हम पहले बैक साइड पे थे लेक जहाँ थी, और अब ये फ्रंट साइड है इसका। और मेरे पीछे बादल देखो कितने सही हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल लगा रखे हैं मैंने, जबकि एक्चुअल में रियल रियल वन। ओह माय गॉड दैट्स समथिंग नाइस। ये वो सेंटर पॉइंट था, नाउ इट्स एन पार्क जहाँ सब आराम से घूमते हैं, बट हमारे पास लगेज है इसलिए हम नहीं घूम पाएंगे। हम ऐसे ही दिखाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये होता है वाटर जिसमें लिखा होता है ओने ओने, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट फोटो में लगा दूंगी। और ये बहुत महंगा होता है एज कम्पेयर टू बियर यहाँ पर। और इससे पहले हमने लिया था, यहाँ पे होता है गैस वाटर, पकड़ना सर, एक होता है गैस वाटर जो हमने लिया था जिसमें कार्बोनेट होता है, गैस बहुत, हाँ बेसिकली सोडा है, ये इसमें बहुत गैस है, बहुत गंदा लगता है पीने में। और हमने इतनी बड़ी बॉटल ले लिया, हमें पता नहीं इसका क्या करना, बहुत मुश्किल से हमें पानी भी मिला। बियर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ हियर। सो ये व्लॉग फिर से बड़ा ना हो जाए इसलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सो अभी जाना कहीं नहीं, आप लोगों को कनेक्ट रहना है मेरे साथ। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरी रीसेंट रील्स पिक्चर्स एवरीथिंग वहाँ अवेलेबल है। अभी हमें पराग जाना है, और कैसे हम गए और सारी जर्नी बाकी, ये तो सेकेंड डे ही चल रहा है। तब तक के लिए टाटा बाय।